वालेकुम बच्चों, आज हमने यूनिट नंबर 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर बेनिफिट्स एंड हार्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या हैं, हार्म्स उनके नुकसान क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी ग्रुप्स इन विच दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड। ग्रुप्स के नेम बताने हैं। सो फर्स्ट वन इज़ वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्जी, फंजाई, प्रोटोजोन्स। ये 5 मेन ग्रुप्स हैं। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इवन इन प्लेसेज वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कैन एग्जिस्ट। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ भी पाए जाते हैं जिधर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। व्हाट मेक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो हार्डी? आंसर है, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर। एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं कार्सिस्ट आउटसाइड देयर सेल्स, सेल्स के बाहर आउटसाइड, विच प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कंडीशन लाइक हाई टेम्परेचर, ड्राइनेस, खुश्की। दिस सिस्ट इनेबल, जो सिस्ट है वो इनेबल करती है दैम टू सर्वाइव इन प्लेसेज, उन जगहों पर वेयर अदर लाइफ फॉर्म्स कैन नॉट एग्जिस्ट, जिधर अदर लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। वाई आर वायरसेस कंसिडर टू बी ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस कंसिडर किया जाता है बॉर्डर लाइन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पर। वायरसेज हैव सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग नॉन लिविंग दोनों के करेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अ लिविंग थिंग, एक जिंदा चीज़ है, दे कैन रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस देयर कॉपीज। रेप्लिकेशन की जाती है, सेम कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं, बट दे रिमेन इनएक्टिव, लेकिन वो इनएक्टिव रहता है आउटसाइड होस्ट सेल, जो बाहर से आने वाले सेल होते हैं, जस्ट लाइक अ नॉन लिविंग थिंग। फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस ड्यूअल फीचर्स, मतलब जो इसके पास दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक लिविंग दूसरी नॉन लिविंग, दे आर कंसिडर टू बी ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ड्यूअल फीचर्स की वजह से वायरस को कंसिडर किया जाता है बॉर्डर लाइन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू वायरसेस कॉज डिसीजेस? अ वायरस कॉज अ डिसीज बाय डिस्ट्रॉइंग होस्ट सेल। होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करके इनसाइड इट्स होस्ट सेल इट मेक्स इट कॉपीज बाय यूजिंग मशीनरी एंड मटेरियल्स ऑफ द होस्ट सेल। होस्ट सेल की मटेरियल मशीनरी को यूज करके कॉपीज बनाई जाती हैं। द होस्ट सेल फाइनली बस्ट, फट जाते हैं, ठीक है, रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस, रिलीज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ वायरस विच इन वेयर, जो फैल जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय अदर होस्ट सेल, बाकी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट सेल्स डाई, और जब लार्ज नंबर ऑफ होस्ट सेल डाई हो जाती हैं थ्रू वायरल इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन के जरिए पर्सन फॉल्स इल, ठीक है। बट डू नॉट हैव प्लांट लाइक बॉडीज आर क्लासिफाइड एज एलजी। रेड एलजी एंड ब्लू एलजी आर दे टू एग्जाम्पल्स। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है। डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। According to their shapes, there are 3 main types of bacteria. 3 main types of bacteria की basically this bacteria are rod shaped, rod की तरह होते हैं, ठीक है, shape इनकी rod की तरह की होती हैं। Corky, these bacteria are spherical in shape, spherical gall. Spirilla, these bacteria are spiral shape, लिपटे हुए। Longest number 6, how bacteria get food and the ways in which they use their food to get energy. Bacteria अपनी energy कैसे बनाते हैं और क्या उनका जो तरीका है एनर्जी हासिल करने का अपनी खुराक से। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफ्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, कुछ हेटरोट्रोफ्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे रहते हैं, उधर से ही उन्होंने खुराक हासिल वगैरह करनी होती है। और सीप्रोफाइट्स गलाजती पौधे, ठीक है, एंड फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। बैक्टीरिया यूज एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया 2 टाइप्स के हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है, और एनएरोबिक का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं यूज होती। एरोबिक बैक्टीरिया विच यूज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, विच यूज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यूज करते हैं। और जो एनएरोबिक बैक्टीरिया है वो रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन यूज होती है और इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट वेज इन विच बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस एंड 2 वेज इन विच दे आर हार्मफुल। वेज बताने हैं, इंपॉर्टेंट वेज हैं जिसमें बैक्टीरिया यूजफुल भी है हार्मफुल भी। यूजफुल बैक्टीरिया, दे एनरिच द सॉइल विद इनऑर्गेनिक मैटर। एनरिच मतलब सिराब करना, ठीक है, सॉइल को सिराब करते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सम बैक्टीरिया जो है डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। मैनी बैक्टीरिया यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ डिफरेंट फूड प्रोडक्ट। मैनी बैक्टीरिया वो मैनुफैक्चर ये फूड प्रोडक्ट में हेल्प आउट होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। दे कॉज मैनी डिसीजेज, दे स्पॉइल फूड, डिसीजेज पैदा करते हैं, ठीक है, खुराक को खराब करते हैं।
What kind of living organisms are classified as algae? Give there two examples. Some plant like aquatic organism. Aquatic मतलब पानी में रहने वाले. They have cell wall. Cell wall होती है इनके पास and chlorophyll and manufacture their own food through photosynthesis. Chlorophyll होता है अपनी खुराक खुद तैयार करती हैं through photosynthesis. इस प्रोसेस के जरिए